आगरा जनपद के कस्बा बहा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को क्षेत्रीय सांसद राजकुमार चाहर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में वर्षों से बंद पड़े पोस्टमार्टम गृह को जल्द शुरू कराए जाने के लिए सांसद निधि से 5,78,000 रुपए दिए जाने की बात कही। आगरा जनपद के कस्बा बहा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को क्षेत्रीय सांसद राजकुमार चाहर ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में वर्षों से बंद पड़े पोस्टमार्टम गृह को जल्द शुरू कराए जाने के लिए सांसद निधि से 5,78,000 रुपए दिए जाने की बात कही। और सांसद राजकुमार चौहान ने स्वास्थ्य केंद्र में बने डेंगू वार्ड में भर्ती मरीज बच्चों और उनके तीमारदारों से बात कर उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही सुविधाओं की वास्तविकता को परखा। वहीं उन्होंने मीडिया को दिए अपने वक्तव्य में बताया कि पिछले 4 वर्षों से CHC में महिला डॉक्टर की तैनाती न होने की बात उनके संज्ञान में आई है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि वह जिलाधिकारी और CMO से बात कर जल्द महिला चिकित्सक की तैनाती कराए जाने की बात करेंगे। उन्होंने वार्ड में भर्ती करीब दर्जन भर बच्चों के परिजनों से उनका विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया। क्षेत्रीय सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति में 20 वर्ष पूरे होने पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली बटेश्वर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर कार्यकर्ताओं के साथ पोस्ट कार्ड लिखे और प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान उनके साथ दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, पोस्टमार्टम के बारे में वहाँ की जनता ने ये शिकायत की थी कि पोस्टमार्टम वहाँ में पहले होते थे और नहीं हो पाते। अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है और कुछ बिल्डिंग में कुछ कमी है, तो बिल्डिंग के लिए और इंस्ट्रूमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट आ जाएं उसके लिए मैंने अपनी सांसद निधि से लगभग 5,78,000 रुपये ऐसे मैंने अपनी तरफ से रिलीज कर दिए हैं और पोस्टमार्टम गृह का कार्य भी प्रारंभ हो गया है।